अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। काफ़ी दिनों बाद हाज़िर हूँ फिर से नए व्लॉग के साथ, और मैं आजकल थोड़ा इनएक्टिव हो गई हूँ, सॉरी फॉर दैट। सो मैं आज जाने वाली हूँ लोनावला, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोग को भी साथ ही साथ वहाँ का एक्सपीरियंस कराती हूँ। काफ़ी अच्छा मौसम होता है, तो यहाँ पर जस्ट मैं यहाँ पर पास्ता बना रही हूँ ले जाने के लिए। तो सब तैयारियां हो गई थी, उसके बाद मैं निकल गई थी सुबह सुबह मॉर्निंग में ही लोनावला के लिए। लोनावला मेरे घर से 50 किलोमीटर है और मुंबई से 80 किलोमीटर है, तो हम लोग बाय ट्रेन जा रहे हैं। ट्रेन की टिकट की बुकिंग हमने पहले ही कर दी थी, 90 रुपीज़ पर पर्सन था। मुंबई पूना इंटरसिटी से हम लोग जा रहे हैं। तो फिलहाल हम लोग 10 बजे के अप्रॉक्स पहुंच गए थे लोनावला, क्योंकि हमारी ट्रेन थोड़ी लेट थी। लोनावला स्टेशन से हम लोग ने कैब बुक कर लिया है, जिन्होंने 2000 चार्ज किया हमें फुल डे के लिए। तो फर्स्ट जगह जो हम लोग गए थे वो थी लोनावला लेक, तो ये रास्ते में ही पड़ता है जब आप ऊपर पहाड़ी पे जाओगे। तो यहाँ पे हम लोग ने रुक के थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई, और वो जो सामने लेक दिख रही है ना वो बरसात में पूरी भर जाती है, इसलिए यहाँ पे 2-3 बाउंड्रीज़ है कि पानी इधर ना आए और सब लोग सेफ्टी के साथ रहें। एंड इस साइड से रोड है ऊपर जाने के लिए पहाड़ों पर, तो बस हम लोग निकल चुके हैं ऊपर जाने के लिए पहाड़ पर, जहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स है और सीनरी वगैरह है देखने के लिए। तो हम लोग आ गए थे पहाड़ के सबसे टॉप पे, तो यहाँ पे जो पहली जगह थी उसको बोलते हैं टाइगर पॉइंट। तो हम लोग ने टाइगर पॉइंट एक्सप्लोर करा, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी एंड बहुत ही अच्छी आँखों को सुकून देने वाला व्यू था, और बहुत ही मज़े का मौसम भी आज था, क्योंकि थोड़ा सा पानी वगैरह सुबह बरसा था इस वजह से। एंड सामने देखिए बड़े बड़े झरने भी हैं, तो मैं थोड़ा सा जूम करके कोशिश कर रही आप लोग को दिखाने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ने टाइगर पॉइंट एंजॉय किया अच्छे से यहाँ की हवा वाली। एंड यहाँ पे बहुत ही फेमस है कॉर्न के पकौड़े, कॉर्न की भजियाँ, तो बस वो सब हम लोग ने बच्चों को दिला दिया। एंड इजानिया मैगी खा रहा है, सो फ्रेंड्स इसके ही बगल में टाइगर पॉइंट के बगल में ही आपको दिख जाएगा लॉयंस पॉइंट, तो वहाँ पे भी आप चाहो तो एक्सप्लोर कर सकते हो। और फिलहाल यहाँ पे जैसे जैसे टाइम हो रहा है वैसे वैसे यहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो ये एक जाली टाइप का सेफ्टी के लिए लगा रखा है इन लोग ने, जिससे कोई उधर जाए ना और वो सेफ़ रहे। एंड यहाँ पे मौसम एकदम बन चुका था बरसात होने के लिए, तो यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा था, और आसमान देखिए एकदम ब्लैक ब्लैक हो रखा था। तो फटाफट निकलते तीसरी जगह, उसकी लॉयंस पॉइंट के पास ही एक वाटरफॉल हम लोग को दिख गया, और ये डैम दिख गया जहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं था, फिर भी हम लोग ने इजान जिद कर रहा था तो कोशिश की उसको दिखाने के लिए वाटरफॉल वगैरह। तो वहाँ जहाँ सब लोग खड़े हैं दूर, हम लोग उस वाटरफॉल पे जा रहे हैं। तो ये कुछ रास्ते का व्यू था, हल्का ही पानी था, ज़्यादा पानी नहीं था। ये जो जगह है ये आजकल काफ़ी फेमस हो रखी है, क्योंकि यहाँ पे लोनावला में एक पूरी फैमिली थी 4 से 5 लोग, वो डूब गए हैं बुशी डैम में। तो आप जाएं तो सेफ्टी के साथ जाएं। मैं जब गई थी तो इतना पानी था, ज़्यादा पानी नहीं था, बट अगस्त वगैरह में ये बहुत ही डेंजरस होता है, तो यहाँ पे ना ही आए तो बेटर है, क्योंकि कभी भी पैर फिसल सकता है, इसमें बहुत फिसलन होती है। फिलहाल मैं यहाँ पे आराम से बैठ गई थी और मुझे नहाना वगैरह नहीं था, तो बस मैं यहाँ पे अपना पैर डुबो के इंजॉय कर रही थी पानी की लहरों को, और अच्छा फील कर रही थी। और यहाँ पे इजान काफ़ी खुश है, वो इंजॉय कर रहा है, बस उसके लिए हम लोग यहाँ पर आए कि चलो बच्चा इंजॉय कर लेगा, उससे बेटर ही क्या है। अच्छा जी, यहाँ पे आदिया इज़ान को सिखा रहे हैं कि ऐसे डुबकी मारते हैं नाक को बंद करके पानी के अंदर, बट वो काफ़ी डर रहा था, तो हम लोग ने, और ठंडी भी काफ़ी हवा चल रही थी इसलिए हम लोग उसको कपड़े उपड़े पहना के। एंड हम लोग अब आ गए थे बुशी डैम, तो बुशी डैम आने के लिए हम लोग ने अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया था, और यहाँ पर हम लोग आ गए थे
कुछ खा लेते, थोड़ा बहुत भूख लग गई थी। तो यहाँ पे हम लोग आए थे नाश्ता करने के लिए, तो हम लोग ने फ़िलहाल ऑर्डर कर दिया है मिसल पाव एंड मसाला डोसा, जो कि महाराष्ट्र का फेवरेट फूड है, तो आप सबको पता ही है। और ये कुछ ओपन एरिया टाइप के रेस्टोरेंट यहाँ पे बने हैं बुशी डैम के अंदर। ये है मिसल पाव। क्या क्या रहता है बाद में बताना। नाश्ता वगैरह हमारा डन हो चुका था, हम लोग आ गए बुशी डैम। उसके बाद बुशी डैम नहाने के लिए ऊपर के साइड जाना होगा, तो ऐसा पानी भरा रहता है। तो यहाँ पे 100 रुपीज़ में आपको 200 रुपीज़ में स्लीपर्स वगैरह मिल जाएंगे अगर आप स्लीपर नहीं पहन के आए हैं। हम लोग फ़िलहाल स्लीपर ही पहन के आए थे, तो जस्ट हम लोग पानी में से होते हुए एंड आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ रेंट पर भी ले सकते हैं स्लीपर वगैरह। और अच्छा ये रहेगा कि आप घर से ही अपनी स्लीपर वगैरह कैरी करके आएँ और बहुत ही संभाल के चले, क्योंकि बहुत ही आड़ा टेढ़ा सा रास्ता था। तो जस्ट हम आधी आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ऊपर जाने के बाद ही थोड़ा बहुत आपको पानी वगैरह मिलेगा। अभी हम लोग आए थे, इस वक्त में जून था तो इतना पानी नहीं था। देखिए ये सीढ़ियाँ एकदम खाली है। आप अगर जुलाई अगस्त में आओगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी का फ्लो रहता है, वाटरफॉल रहता है। फ़िलहाल हम लोग जून में आए थे, तो अभी यहाँ पे उतना नहीं है। फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि ऊपर की तरफ सीढ़ी से जाके आप लोग को व्यू दिखाएं। तो बस यहाँ पे आई थी मैं मेंटल पीस के लिए, और मेरा फिज़िकल पीस ख़राब हो रहा है क्योंकि मैं बहुत हाँफ रही थी ये सीढ़ियाँ चढ़ते हुए। तो जैसे ही सीढ़ियाँ चढ़ के आप ऊपर आओगे तो ये आपको लेक दिखेगी लोनावला की। जब ये पूरी फुल हो जाती है, जब ये पूरी भर जाती है, तो इसका जो पानी रहता है वो वाटरफॉल बनके उन सीढ़ियों से नीचे जाता है, जहाँ पे लोग बैठ के नहाते हैं और इन्जॉय करते हैं बुशी डैम का वाटरफॉल। अभी फ़िलहाल यहाँ पे कुछ नहीं है, आपको भुट्टा वगैरह खाने को मिल जाएगा, मैगी वगैरह खाने को मिल जाएगी। एंड पानी बरसना भी स्टार्ट हो गया, तो हम लोग यहाँ पे साइड पे वेट कर रहे थे कि बस पानी रुके और हम लोग आगे की तरफ बढ़े। तो आप जुलाई अगस्त में ज़रूर आए बुशी डैम। हाँ जी, उसके बाद हम लोग निकल गए थे बुशी डैम से। हम लोग को लेनी थी चिक्की, क्योंकि लोनावला की चिक्की बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो मुझे ये था कि अगर मैं लोनावला गई तो चिक्की तो ज़रूर लूँगी। तो चिक्की जहाँ बनती है हम लोग वहाँ जा रहे हैं। यहाँ पे लाइन से आपको चिक्की की दुकान मिल जाएगी। तो फ़िलहाल हम लोग ये देखिए सामने अंकल आंटी एंड मेनी वर्कर्स यहाँ पे बना रहे हैं चिक्की, और बहुत ही ह्यूज वैरायटी थी चिक्की की, अलग अलग टाइप की थी। तो बस हम और आदि यहाँ पे खा के ट्राई कर रहे थे कि कौन सी अच्छी है कौन सी अच्छी नहीं है। हाँ जी, हमने चिक्की वगैरह ले ली थी अलग अलग टाइप की, 4-5 डब्बी। और यहाँ पे मुझे दिख गया ये मोहितो का सिरप। मोहितो मेरा फेवरेट ड्रिंक है, तो बस यहाँ पे मैंने आदि को ज़िद करके ये ले लिया कि ये ले लीजिए, मुझे अब इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि कभी कभी पुदीना नहीं मिलता है और पीने का दिल होता है। और यहाँ पे आपको गुड़ की चिक्की और शुगर फ्री चिक्की, मलाई चिक्की, बहुत सारी वैरायटी की मिल जाएगी। अगर आप इमली वगैरह खाते हैं, फर्स्ट वगैरह खाना पसंद करते हैं, वो भी मिल जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग आ गए थे खंडाला। बीच में मैं शूट इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी बरस रहा था, मोबाइल जो था वो रखा हुआ था कार में। और ये जो जगह है ना, ये हम लोग के होटल के पास का एरिया है। तो यहाँ पे हम लोग ने दोपहर का लंच वगैरह करा, पनीर वगैरह, ज़ीरा राइस एंड रोटी वगैरह। उसके बाद मैं आगे टहलने के लिए खंडाला घाट पे। अच्छा, ये वो जगह है, अगर आपने पिक्चर देखी हो आती क्या खंडाला वाला, कुछ ऐसा गाना है, तो ये वो जो मूवी है शूट हुई थी वो यहाँ शूट हुई थी। मैं आपको दिखाती हूँ उस पार, इतना बढ़िया मौसम होता है। अभी जब पानी बरस रहा था और मैं खाना खा रही थी, मैं फटाफट खाना खा के आई कि आप लोगों को के लिए मैं शूट कर पाऊँ। ये ना पूरा एरिया फॉग से भर गया था, धुआं धुआं हो गया था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इतना ठंडा मौसम हो रहा था, जैसे हम लोग खंडाला आए हम लोग को ठंड लगना चालू हो गई। और हम लोग ने बच्चों के लिए कुछ गर्म कपड़े भी नहीं लिए थे, हम लोग को अंदाज़ा नहीं था कि मुंबई और लोनावला में इतना ज़्यादा फ़र्क होगा ठंड के मामले में। तो फ़िलहाल अभी बारिश हो के ख़त्म हुई है, तो देखिए मौसम साफ़ हो गया है और बादल भी छट गए हैं,
तो और भी ब्यूटीफुल लग रहा है ये सीन। और नीचे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे है एंड यहाँ पे है, होता है ना कि वापस से वाटरफॉल, वापस से पानी बरसता है ना तो उल्टा आता है, तो वो एक अलग ही लेवल की फीलिंग है कि हम लोग इतने टॉप पे खड़े थे एंड जो पानी था वो वापस से आ रहा था हवा के प्रेशर के वजह से, तो बहुत ही कूलिंग और सूदिंग वाइब आ रही थी। यहाँ आके मेंटल पीस तो मिला ही मिला, बस थोड़ा सा फिज़िकली मैं हिल गई क्योंकि हम लोग फिज़िकली इतना फिट नहीं है, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, टहलते नहीं, पहाड़ों पे चढ़ते नहीं, इसलिए आदत नहीं है, तो थोड़ी सी वो चीज़ दिक्कत करी। उसके बाद हम लोग आ गए पामना लेक, तो यहाँ पे जब हम लोग आए तो यहाँ का भी मौसम बहुत ख़राब हो गया था, बिल्कुल फॉग वगैरह धुआं धुआं आ रहा था। तो ये था आई लव लोनावला एंड खंडाला, यहाँ पे आप सेल्फी ले सकते हैं एंड ये जो है ये पूरा पामना लेक है, यहाँ पे ज़रूर 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 आए। सारे पॉइंट में से मेरा ये फेवरेट पॉइंट था, मैं यहाँ पे काफ़ी देर इधर उधर टहली और हवा के मज़े ली और महसूस करी मैंने नेचर को, मुझे काफ़ी अच्छा लगा और बहुत अच्छी वाइब दे रहा था। तो मैं यहीं पे बैठ के 10-15 मिनट मैंने अपना मी टाइम गुजारा, अपने आप को महसूस किया, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा लोनावला आके। ये जो था ये हमारा वन डे का ट्रिप था जस्ट बिकॉज ऑफ बच्चे, क्योंकि बच्चे साथ में थे और पेरेंट्स भी साथ में थे, तो हम लोग उनको स्ट्रगल नहीं देना चाहते थे, इसलिए हम लोग यहाँ पे रात में स्टे नहीं किए, वापस हम लोग निकल लेंगे मुंबई के लिए। मुंबई में मैं पनवेल में रहती हूँ तो मैं आसानी से अपने घर पहुँच जाऊँगी, 1 से 1.5 घंटे के बीच में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम लोग आ गए थे लोनावला स्टेशन एंड यहाँ पे रूहानी अपना टचअप कर रही थी, पूरे जर्नी में मुझे वक्त ही नहीं मिला मेकअप एंड टचअप करने का, बट उसको याद था तो वो टचअप कर रही है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, वो बहुत छोटी है, बस मेरा पर्स लेके वो खेल रही थी लिपस्टिक से। एंड हम लोग लोनावला स्टेशन से ट्रेन पकड़ के वापस निकल लिया हम लोग मुंबई के लिए एंड फाइनली हम लोग आ गए थे घर। ये सेकेंड डे का वीडियो है, तो हम लोग लाए थे यहाँ पे चिक्की, तो जस्ट मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी सारी वैरायटी की हम लोग ने चिक्की लाई और क्या क्या चीज़ें लाई। फर्स्ट है ना, ओके ये प्योर चिक्की है। ये क्या है? ये भी चिक्की है लेकिन ये मलाई चिक्की है। मलाई चिक्की है, इधर कुछ है। और ये है मोहितो, मेरा फेवरेट। अबा ये मेरा फेवरेट है। अच्छा ये ले लेते ना, खोल के दीजिए सबको। ओके पॉज कर लो फिलहाल। सो फ्रेंड्स, ये था आज का व्लॉग। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग से एक बात और कहनी थी कि मैं इस चैनल पे इनएक्टिव इसलिए हूँ क्योंकि मेरा चैनल फ्रीज़ हो जा रहा है बार बार, क्योंकि मैंने मिक्स कॉन्टेंट ऐड कर दी थी, मुझे पहले पता नहीं था, तो इसलिए अभी मैंने नया चैनल ओपन करी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टिल देन अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।